नमस्कार दोस्तों, आपने मेरा टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स का वीडियो तो देखा ही होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक छोड़ रहा हूँ। आप ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर देख लेना। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं ये जो हर महीने टॉप सेलिंग कार्स के वीडियो बनाता हूँ, आप उसमें कंपेरिजन में कौन से महीने के सेल्स जानना चाहेंगे? कहने का मतलब है कि इस वीडियो में जुलाई 2022 और जुलाई 2021 की सेल्स बताई गई है। आप आगे के वीडियोस में इसी तरह से जानना चाहते हैं या फिर जुलाई 2022 और जून 2022 की सेल्स जानना चाहेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियोस मैं उसी तरह से बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इंडिया में जुलाई 2022 में सबसे ज़्यादा बिकने वाली 20 SUVs के बारे में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं हूँ आपका दोस्त मितेश सोनी और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्वेंटी एथ पोजिशन पर आई है टाटा की सफारी, जिसकी 1761 यूनिट बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में सफारी की 1821 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले सफारी की 3% सेल्स कम हुई है। 19 पोजिशन पर आई है एमजी की हेक्टर, जिसकी 1988 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में हेक्टर की 3565 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले हेक्टर की 44% सेल्स कम हुई है। इस साल एमजी की लगभग सभी गाड़ियों की सेल्स कम हुई है, जिसमें हेक्टर और हेक्टर प्लस भी शामिल है। 18 पोजीशन पर आई है स्कोडा की कुसेक, जिसकी 2064 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में कुसेक की 1822 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले कुसेक की 13% सेल्स ज़्यादा हुई है। 17 पोजीशन पर आई है रेनो की काइगर, जिसकी 2597 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में काइगर की 3557 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले काइगर की 27% सेल्स कम हुई है। काइगर और मैग्नेट को एक साथ ही लॉन्च किया गया था और ये दोनों एक दूसरे की राइवल कार्स हैं, जिनमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन काइगर्स की सेल समय रहते अब घट रही है और मैग्नेट उधर ही टिकी हुई है। 16 पोजीशन पर आई है टोयोटा की फॉर्च्यूनर, जिसकी 3000 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में फॉर्च्यूनर की 1789 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले फॉर्च्यूनर की 68% सेल्स ज़्यादा हुई है। फॉर्च्यूनर जैसी कार की 3000 यूनिट्स बिकना, कौन कहता है इंडिया एक पुअर कंट्री है। 15 पोजीशन पर आई है टाटा की हैरियर, जिसकी 3254 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। जुलाई 2021 में हैरियर की 2666 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले हैरियर की 22% सेल्स ज़्यादा हुई है। लॉन्च होने के बाद से टाटा हैरियर का ये टॉप सेलिंग आंकड़ा है। दोस्तों, अगर आप हर महीने ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर महीने ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। 14 पोजीशन पर आई है निसान की मैग्नाइट, जिसकी 3583 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में मैग्नाइट की 4073 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले मैग्नाइट की 12% सेल्स कम हुई है। 13 पोजीशन पर आई है महिंद्रा की थार, जिसकी 3616 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में थार की 3203 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले थार की 13% सेल्स ज़्यादा हुई है। 12th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसकी 3803 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में स्कॉर्पियो की 3855 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले स्कॉर्पियो की 1% सेल्स कम हुई है।
स्कॉर्पियो का क्रेज तो देखो, नई स्कॉर्पियो एन लॉन्च हुई है। थोड़े ही समय में स्कॉर्पियो क्लासिक भी लॉन्च होने वाली है नए फीचर्स के साथ। फिर भी ये पुरानी वाली स्कॉर्पियो की 3800 से भी ज़्यादा यूनिट्स बिकी है। 11 पोजीशन पर आई है महिंद्रा की XUV300, जिसकी 5937 5937 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में XUV300 की 6027 6027 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले XUV300 की 1% सेल्स कम हुई है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिया में बिकने वाली टॉप 10 SUVs के बारे में। 10th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की ही XUV700, जिसकी 6277 6277 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल का इसका डेटा नहीं है क्योंकि पिछले साल इसे इस समय लॉन्च नहीं किया गया था। 9th पोजीशन पर आई है टोयोटा की अर्बन क्रूजर, जिसकी 6724 6724 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में अर्बन क्रूजर की 6093 6093 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले अर्बन क्रूजर की 13% सेल्स ज्यादा हुई है। पुरानी ब्रेजा के बंद होने से अर्बन क्रूजर को काफी फायदा हो गया है। नई ब्रेजा की कीमतें 50,000 से लेकर 2,00,000 रुपए तक बढ़ गई है, और जिसे पुरानी ब्रेजा का लुक पसंद है वो अर्बन क्रूजर खरीद रहे हैं। 8th पोजीशन पर आई है किया की सोनेट, जिसकी 7215 7215 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में सोनेट की 7675 7675 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले सोनेट की 6% सेल्स कम हुई है। 7th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी 7917 7917 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में बोलेरो की 6491 6491 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले बोलेरो की 22% सेल्स ज़्यादा हुई है। 6th पोजीशन पर आई है किया की सेल्टोस, जिसकी 8541 8541 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में सेल्टोस की 6983 6983 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले सेल्टोस की 22% सेल्स ज़्यादा हुई है। 5th पोजीशन पर आई है मारुति की ऑल न्यू ब्रेजा, जिसकी 9709 9709 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में ब्रेजा की 12676 12676 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले ब्रेजा की 23% सेल्स कम हुई है। नई ब्रेजा के प्राइसेस में मारुति ने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया है। इसका टॉप मॉडल 16,00,000 रुपये से भी ज़्यादा कीमत में पड़ता है, तो हो सकता है कि इसको इतना रिस्पांस ना मिले, ये मेरा मानना है। बाकी नई ब्रेजा फुली पावरफुल और फीचर लोडेड है। 4th पोजीशन पर आई है टाटा की पंच, जिसकी 11,007 11,007 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल का इसका डेटा नहीं है क्योंकि पिछले साल इसे लॉन्च नहीं किया गया था। 3rd पोजीशन पर आई है हुंडई की ऑल न्यू वेन्यू, जिसकी 12,000 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में वेन्यू की 8,185 8,185 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले वेन्यू की 47% सेल्स ज़्यादा हुई है। 2nd पोजीशन पर आई है हुंडई की क्रेटा, जिसकी 12,625 12,625 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में क्रेटा की 13,000 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले क्रेटा की 3% सेल्स कम हुई है। अगले साल हुंडई क्रेटा के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया जाना है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी के बारे में। 1st पोजीशन पर आई है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 14,214 14,214 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में नेक्सॉन की 10,287 10,287 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले नेक्सॉन की 38% सेल्स ज़्यादा हुई है। पिछले 6 महीने से लगातार नेक्सॉन इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी बन रही है। लगता है अब लोगों ने सेफ्टी को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये थी बात इंडिया में जुलाई 2022 में बिकने वाली टॉप 20 एसयूवीज के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।